को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तेजा। राजकुमार 70 के दशक के एक बड़े स्टार बन चुके थे। उनकी परफॉर्मेंस और डायलॉग का आज भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन प्यार के मामले में वह थोड़ा बदनसीब रहे। उन्होंने अपनी लाइफ में बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उनको बदले में प्यार नसीब नहीं हुआ। उस समय बॉलीवुड में नई नई एंट्री हुई थी एक नई लड़की की, जिसका नाम था हेमा मालिनी, जिसको सेट पर देखकर राजकुमार अपना दिल दे बैठे थे। वे हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करने लगे थे, वह उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनका प्यार शादी में तब्दील नहीं हो पाया। आखिर क्यों हेमा मालिनी ने राजकुमार को रिजेक्ट कर दिया, और इसके बाद कौन सी वो हीरोइन थी जिससे राजकुमार को दोबारा से प्यार हुआ, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। राजकुमार ने 1952 की फिल्म रंगीली से डेब्यू किया था। इसके बाद वो मदर इंडिया और लाल पत्थर जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए। वे अपने मुंहफट स्वभाव के चलते बहुत मशहूर हुए थे, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखते थे। उनके अफेयर्स और रिलेशनशिप्स की कम ही खबरें सुनने को मिलती हैं। हालांकि कुछ लोग ही जानते हैं कि वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। राजकुमार हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने लाल पत्थर के डायरेक्टर FC मोहरा को उनके ओपोजिट वैजंती माला की जगह नई एक्ट्रेस हेमा मालिनी को कास्ट करने के लिए कहा था। राजकुमार उस समय इतने बड़े स्टार थे कि कोई भी डायरेक्टर उनकी बात ठुकराने का जतन भी नहीं करता था, लेकिन जब हेमा मालिनी को लाल पत्थर का ऑफर हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। राजकुमार के काफ़ी मनाने के बाद हेमा मालिनी फिल्म करने के लिए तैयार हो गई। लाल पत्थर की शूटिंग के दौरान राजकुमार पूरी तरह से हेमा मालिनी के प्यार में डूब गए थे, और हेमा के साथ ही टाइम बिताना पसंद करते थे। हेमा भी उनके खास स्टाइल पर फिदा थी। राजकुमार ने फिल्म रिलीज होने के बाद हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ड्रीम गर्ल ने उनको जो जवाब दिया उसकी राजकुमार को उम्मीद तक नहीं थी। हेमा ने कहा कि वो उनको पसंद तो करती है, लेकिन उनसे प्यार नहीं करती, जबकि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है। जहां आपको बता दें कि हेमा ने सिर्फ राजकुमार को ही नहीं बल्कि एक्टर संजीव कुमार को भी साफ साफ मना कर दिया था। उस वक्त हेमा धर्मिंदर की दीवानी हो चुकी थी। वह धर्मिंदर से शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। ये सब सुनते ही राजकुमार का दिल टूट गया, पर हेमा मालिनी आज भी उन्हें अपना पसंदीदा एक्टर बताती है। इसके बाद राजकुमार की लाइफ में एक और बड़ा मोड़ आया। राजकुमार को मीना कुमारी से इश्क हो गया। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा की शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें दिल दे बैठे थे। वह शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की खूबसूरती में इतना डूब जाते थे कि अक्सर डायलॉग बोलना भूल जाते थे। लेकिन मीना कुमारी की पहले ही पकीजा के डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी हो चुकी थी। मीना कुमारी शादीशुदा थी, इसलिए राजकुमार कभी अपने दिल की बात उनसे ना कह पाए। बाद में राजकुमार ने एक एयर होस्टेस जेनिफर से शादी कर ली थी, जो कि एंग्लो इंडियन थी। जेनिफर ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। राजकुमार और गायत्री जिंदगी भर साथ रहे। उनके 3 बच्चे हैं। राजकुमार का 69 साल की उम्र में गले के कैंसर के चलते ही 3 जुलाई 1996 को निधन हो गया। आपको राजकुमार की कौन सी फिल्म सबसे बढ़िया लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।